हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पैटर्न ब्लाउज सिलाई करना बताएंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचने के लिए। तो चलिए, पैटर्न सिलाई करने के लिए किस तरीके से फैब्रिक को लेना है, यहाँ पर देखिए फैब्रिक और अस्तर को अलग अलग से सिलाई करना है। तो यहाँ से देखिए मैंने यहाँ पर कमर से मिलाकर सिलाई करूँगी। दोनों साइड की तरफ से सिलाई करने के बाद अभी देखिए ऊपर के साइड की तरफ से सिलाई करूँगी। इसको देखिए इस साइड की तरफ से इस तरीके से बराबर मिलाऊंगी। देखिए यहाँ से देखिए ये फिनिशिंग का सिलाई है। तो यहाँ पर देखिए फैब्रिक और अस्तर पे इस तरीके से अलग अलग सिलाई करके ले लिया है और ये देखिए अस्तर में सिलाई कर लिया है। तो इसलिए अभी इसमें पैडेट अटैच करना है। तो पैडेट अटैच करने के लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले मेजरमेंट लेना है बस पॉइंट का। बस पॉइंट के मेजरमेंट आपका शोल्डर से जितने तक आता है बस पॉइंट उसी के हिसाब से लेना है। यहाँ पर देखिए 9.5 इंच तक आता है और एक्स्ट्रा हाफ इंच के साथ मैंने यहाँ पर 10 इंच का बस पॉइंट लिया है। तो अभी देखिए इसको कैसे अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए उल्टा साइड की तरफ से लेना है, ये देखिए उल्टा साइड की तरफ से पैडेट को रखना है और यहाँ से देखिए इस तरीके से बराबर जहाँ पर 10 इंच का यहाँ पर निशाना लगाया है उसी में यहाँ से पीछे पिनअप कर लूँगी। दोनों को इस तरीके से बराबर मिलाकर ले लूँगी। अगर दोनों को एक ही साथ में नहीं लेने से, अलग अलग करके लेने से क्या होगा, एक पैडेट ऊपर की तरफ रहेगा और दूसरा नीचे की तरफ रहेगा। तो इसलिए हमेशा दोनों पैडेट को एक ही साथ में अटैच करना है इस तरीके से। तो इस तरीके से पीछे पिनअप करने के बाद यहाँ पर देखना है सभी साइड की तरफ से ये बराबर है कि या नहीं। ये देखिए बिल्कुल दोनों साइड की तरफ से बराबर है। तो चलिए इसको सिलाई करूँगी। सिलाई देखिए यहाँ से इस तरीके से करूँगी। देखिए जिस साइड में उल्टा साइड है उसी साइड की तरफ से यहाँ पर सिलाई करना है। तो सिलाई करने के बाद जो पिन से पिनअप किया है तो उस पिन को खोल लूँगी। उसके बाद देखिए इस फैब्रिक में इसको रखूँगी। ये देखिए फैब्रिक को सीधा साइड की तरफ से लिया है और अस्तर का फैब्रिक को भी सीधा साइड की तरफ से लिया है। तो चलिए अभी यहाँ से सिलाई लगाऊँगी। इसके लिए मैंने फ्रंट साइड के लिए अलग से नेक पट्टी काट नहीं किया है, फैब्रिक और अस्तर को एक ही साथ में सिलाई करके इसको पलट लूँगी। आप इसको अलग से नेक पट्टी सिलाई करना है तो सिलाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर फैब्रिक थोड़ा हार्ड है तो इसलिए मैंने अलग से नेक पट्टी यहाँ पर सिलाई नहीं किया है, तो एक ही साथ में मैंने यहाँ पर सिलाई कर लिया। नेक को सिलाई करने के बाद यहाँ से इस तरीके से काट करना है। काट तभी करना है जो सिलाई बराबर है कि या नहीं, सभी साइड की तरफ से देखना है। तो बराबर होने के बाद ही इस काट को लगाना है। इस काट को बहुत ध्यान में लगाना है क्योंकि जो सिलाई किया हुआ काट काट ना जाए। तो यहाँ से देखिए मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम लग रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा सिलाई करके मिला दूँगी। उसके बाद फिनिशिंग के लिए सिलाई दूँगी। फिनिशिंग की सिलाई देखिए अस्तर के साइड की तरफ से ही लगाना है। इस तरीके से सिलाई करने के बाद इसको सीधा साइड की तरफ से पलट लूंगी। तो सीधा साइड की तरफ से पलटने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये पलटना है।
तो चलिए अभी यहाँ से ऊपर से एक सिलाई लगाऊंगी। चाहो तो आप इस सिलाई को नहीं लगाने से भी होता है, तो मैं यहाँ से देखिए किनारे से लगा दूंगी इस सिलाई को। कमर के साइड की तरफ से सिलाई करूंगी, जैसे कि फैब्रिक और अस्तर एक ही साथ में अटैच हो जाए, तो इसीलिए यहाँ से एक सिलाई लगाऊंगी। मैंने यहाँ पर मिडल बराबर सिलाई कर लिया है, तो मिडल बराबर सिलाई करने के बाद अभी देखिए इस साइड से भी सिलाई करूंगी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको काट करूंगी, तब यहाँ से सिलाई करके मिडल बराबर मिला दूंगी। फ्रंट पार्ट की सिलाई पूरा अपनी कंप्लीट है, तो उसके बाद सिलाई करूँगी बैक पार्ट। ये देखिए बैक साइड में बहुत ही ज़्यादा डीप ने काट किया है, तो यहाँ से देखिए ये देख सकते हैं आप लोग बहुत ही डीप ने काट किया है मैंने यहाँ पर, तो अब इसको सिलाई करूँगी। तो यहाँ से भी देखिए अलग से नेकपट्टी सिलाई नहीं करूँगी, यहाँ से इस तरीके से मिला कर लूँगी। फेब्रिक को मैंने सीधा साइड की तरफ से लिया है, इसका ऊपर में अस्तर को रखा है। तो यहाँ पर दोनों साइड की तरफ से सिलाई करने के बाद इस तरीके से देखना है दोनों सिलाई बराबर है कि या नहीं, तो उसके बाद ही यहाँ से काट लगाऊंगी। छोटा छोटा काट दोनों साइड की तरफ से काट लगाना है इस तरीके से। इस तरीके से छोटा छोटा काट नहीं लगाने से क्या होगा, ब्लाउज को जब उल्टा साइड की तरफ से इसको पलट लेगा तब पलटने के बाद फिनिशिंग कभी भी अच्छा नहीं दिखाई देगा। तो उसके बाद सिलाई लगाऊंगी, यहाँ पर देखिए फिनिशिंग का सिलाई नेकपट्टी का साइड की तरफ से, जैसे कि अस्तर के साइड की तरफ से। फिर पलटने के बाद देखिए यहाँ पर कमर के साइड की तरफ से सिलाई कर दूंगी। उसके बाद टैग सिलाई करूंगी। टैग्स यहाँ पर मैंने काट करने के टाइम में थोड़ा सा निशाना देकर रखा है, उसी निशाना के हिसाब से यहाँ पर काट लगाऊंगी। उसके बाद सिलाई करूंगी हुक पुट्टी। तो यहाँ भी हुक पुट्टी ब्रैकेट ब्लाउज के जैसा ही सेम होगा, एक बड़ा साइज़ का और एक छोटा साइज़ का। यहाँ पर देखिए जो जिस साइड में मैंने यहाँ पर हुक सिलाई करना है उसी साइड की तरफ से इसको देखिए सीधा साइड की तरफ से रखूँगी और उल्टा साइड की तरफ से इसको पलटना है, और यहाँ से भी फिनिशिंग का सिलाई होगा। सिलाई करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको काट करना है, और यहाँ से इस तरीके से फोल्डिंग करूँगी और थोड़ा सा काट कर लूँगी इस तरीके से। एक्स्ट्रा फैब्रिक ज़्यादा नहीं रखना है हुक पट्टी में। और ये जिस साइड में हुक अगर बनाना है उसी साइड की तरफ से इसको देखिए उल्टा साइड की तरफ से मैंने लिया है और इसको सामने की तरफ से पलट लूँगी।
ये देखिए बैक पार्ट भी सिलाई पूरा पूरी कंप्लीट है, तो चलिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को ज्वाइन कर लूँगी। तो यहाँ से बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को ज्वाइन करूँगी, यहाँ से बिल्कुल बराबर रखूँगी शोल्डर की तरफ से। उसके बाद सिलाई करूँगी स्लीव। स्लीव को सिलाई करने के लिए मैंने यहाँ पर मिडल बराबर थोड़ा सा काट कर निशाना लगा दिया और यहाँ से इस तरीके से मिलाकर सिलाई करूँगी। स्लीव सिलाई करने के बाद यहाँ से देखिए स्लीव का मोहरी को इस तरीके से फोल्डिंग करके सिलाई करूँगी। यहाँ से इसमें देखिए मैं सिर्फ एक फोल्डिंग करके सिलाई करूँगी। उसके बाद सिलाई करूँगी दूसरा साइड का स्लीव, इसको भी देखिए मिडल बराबर मिलाकर सिलाई करूँगी। दोनों साइड की तरफ से स्लीव का सिलाई कंप्लीट करने के बाद साइड की तरफ से सिलाई लगाऊंगी। इसके लिए देखिए मेजरमेंट नहीं लूंगी, तो बिल्कुल किनारे से सिलाई को लगाना है। तो इस तरीके से सिलाई देने से क्या होता है, तो हम ब्लाउज को जब भी छोटा बड़ा करने में बहुत ही आसान होता है, तो जब पहले ही इसको फिटिंग्स करके सिलाई करने से उसके बाद इसको बड़ा करने में बहुत ही दिक्कत होता है, तो इसलिए पहले किनारे से इस तरीके से सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक मिलता है इसको काट कर दूंगी दोनों साइड की तरफ से। काट करने के बाद किनारे से एक पीको लगा दूंगी।
फिर कमर पट्टी अटैच करना है। कमर पट्टी को अटैच करने से पहले यहाँ पर इस तरीके से फोल्डिंग करके सिलाई करूँगी किनारे से। तो इस तरीके से पहले फोल्डिंग कर लेने से सिलाई करने में भी बहुत ही आसान होता है। तो कमर पट्टी को अटैच करने के लिए पहले मेजरमेंट लूँगी और यहाँ से मैं 2.5 इंच तक रखूँगी, यहाँ से बैक साइड की तरफ से इस तरीके से, और यहाँ से हाफ इंच लेकर सिलाई करूँगी। कमर पट्टी के सिलाई मिडल बराबर एक छोटा सा प्लेट डाल दूंगी। इस तरीके से प्लेट नहीं डालने से कमर पट्टी को बाद में पलटने के टाइम में बहुत ही फैब्रिक खिसा आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर कमर पट्टी में छोटा सा प्लेट डाल दिया। सिलाई करने के बाद इस तरीके से बराबर मिलाकर देखना है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल बराबर है, तो अभी देखिए साइड की तरफ से फिनिशिंग का सिलाई होगा कमर पट्टी के साइड की तरफ से। उसके बाद उल्टा साइड की तरफ से कमर पट्टी को फोल्डिंग कर मशीन के सिलाई ही रखूँगी। चाहे तो आप इसमें हाथ का सिलाई भी रख सकती हैं, मैं यहाँ पर मशीन के सिलाई ही रखूँगी। तो चलिए अभी इसके फिटिंग्स के हिसाब से यहाँ पर नाप ले लूँगी। तो मैंने यहाँ पर इसके फिटिंग्स के हिसाब से नाप ले लिया है, तो जहाँ पर मैंने चक्का निशाना लगा कर रखा है उसी निशाना के हिसाब से सिलाई लगाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए सिलाई पूरा पूरी कंप्लीट है। तो चलिए इस ब्लाउज का सिलाई मैंने यहाँ पर किस तरीके से किया है आप लोग खुद ही देखा होगा। प्रिंसेस कट पैटर्न ब्लाउज सिलाई करना बहुत ही इजी है, तो आप सब भी इस तरीके से ब्लाउज सिलाई कर सकती है खुद अपने लिए। और यहाँ से हाथ से हेम सिलाई कर लेगा मैं, तो यहाँ से भी हुक सिलाई करेगा और इस तरीके से लगाएगा इसको। तो इसके फिटिंग्स देख लीजिए किस तरीके से इसका फिटिंग्स आया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस ब्लाउज का फिटिंग्स कैसे आया है। थैंक यू।